हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग स्टडी विद अभिषेक सर 3.0 इंग्लिश। आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोगों ने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, वर्ब पढ़ा। आज है एडवर्ब की बारी। हम एडवर्ब को इतनी अच्छे से जानेंगे क्योंकि आज तक आपने कभी ऐसा पढ़ा नहीं होगा। ऐसा पढ़ाएंगे कि आप तक कभी आप भूलोगे ही नहीं। 100% गारंटी है एडवर्ब। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, आइए। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ब के बारे में। ठीक है, कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। आज मैं आपको ठीक है कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा, कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताता हूँ एडवर्ब के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतना अच्छा समझाऊं कि आप कभी भूलोगे नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये देखिएगा, किसी सेंटेंस को बनाने में, कल ही मैंने कुछ बताया था आपको, बताया था डेली, किसी सेंटेंस को बनाने में हमें एडवर्ब से पहले हम कुछ बेसिक चीज जानेंगे। ठीक है, नाउन, ठीक है, नाउन के बारे में, ठीक है, प्रोनाउन के बारे में, पहले हम एडवर्ब से पहले ये चीज सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहले। ठीक है, पहले आप देखेंगे, ठीक है, देखिए किसी सेंटेंस को बनाने में हमें दो चीज की सबसे ज्यादा पड़ती है, किसकी? नाउन और वर्ब की। ठीक है, हम इस तरफ आपको नाउन लिखते हैं, इधर देखिएगा। ठीक है, एक तरफ हम नाउन लिखते हैं, मान पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी बनाने के लिए हम किसी चीज पड़ती है, सब्जेक्ट। ठीक है, और किसी जरूरत पड़ती है हमें, वर्ब की जरूरत पड़ती है। किसी सेंटेंस को बनाने के बिना वर्ड का सेंटेंस बेकार होता है। किसी सब्जेक्ट को, ठीक है, किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो चीज की जरूरत, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा किसी सेंटेंस में तभी काम चल जाएगा। अगर वर्ब नहीं, कल मैंने बताया था गाड़ी में जैसे इंजन की जरूरत होती है, ठीक है, गाड़ी तभी चलेगी, वैसे ही किसी सेंटेंस में वर्ब रहेगा तभी आपका सेंटेंस बनेगा, अंतर बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। ये चीज याद रखिएगा। तो हमें सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्ब की जरूरत पड़ेगी। किसी भी चीज की, कोई भी आप सेंटेंस बनाओगे तो वर्ब की जरूरत पड़ेगी। गाड़ी में इंजन जैसे जरूरत है, वैसे ही सेंटेंस में वर्ब की जरूरत है। तो हम सब्जेक्ट में कुछ भी ले लें, आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट में हम नाउन ले लें, ठीक है, प्रोनाउन ले लेंगे, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सब्जेक्ट है। नाउन भी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट है। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया होगा, जाके वीडियो को प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। नाउन भी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी, ठीक है। अब वर्ब हम ले लेते हैं, मान लीजिए पहले, सबसे पहले हम ठीक है नाउन का कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं, ठीक है, ले सबसे पहले लेते हैं हम, ठीक है, रोहित। रोहित क्या है? नाउन है। रोहित को ले लेते हैं, ठीक है, मोहित ले लेते हैं, अभिषेक ले लेते हैं, पूजा ले लेते हैं। ये सब क्या है? नाउन है। ये चारों चीज, देखिए किसी व्यक्ति, किसी स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी, ये व्यक्ति का नाम है ना, किसी का नाम ना, किसी का नाम रोहित है, किसी का नाम मोहित है, किसी का नाम अभिषेक है, किसी का नाम पूजा है, तो किसी व्यक्ति का तो नाम है ना, तो ये सब क्या है? ये नाउन है। एक तरफ हम वर्ब लिखते हैं, जैसे रोहित प्ले, ठीक है, मोहित सिंग्स, ठीक है, अभिषेक वर्ग, ठीक है, पूजा, हमने चार वर्ब ले लिए, ठीक है, प्ले सिंग्स वर्क्स गो, ठीक है, हमने चार वर्ब लिए। अब बताइए एडवर्ब का क्या होता है, एडवर्ब की खासियत क्या है, एडवर्ब क्या है, ठीक है, वर्ब की जो विशेषता बताएगा उसे हम एडवर्ब कहेंगे। मतलब किसी क्रिया का विशेषता बताएगा कि वो किस प्रकार कैसा तेज कब और कहा। मतलब मैं अभी आपको डिफिनेशन बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एडवर्ब का क्या काम है, रोहित प्ले, रोहित खेल रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा ना, रोहित खेल रहा, पता नहीं किस तरीके से खेल रहा, तो मैं लिख दूं रोहित प्ले, ठीक है, बेल, ठीक है, रोहित अच्छा खेल रहा, सेंटेंस बना कि नहीं, कि अब बताइए वर्ब की विशेषता बता रहा कि नहीं, रोहित खेल रहा था तो हमें नहीं पता किस प्रकार खेल रहा था, लेकिन अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, तो वेल लगा दिया, तो अब इसमें वर्ब की विशेषता बता रहा, रोहित कैसा खेल रहा था, वेल अच्छा खेल रहा था। मैंने यहां लिखा, ठीक है, रोहित स्लोली, स्लोली, ठीक है, रोहित धीमे खेलता है, तो इसके वर्ब की विशेषता बता रहा ना, प्ले मतलब वर्ब क्या है, खेल रहा था, क्रिकेट मैच ही तो खेल रहा था, तो रोहित प्ले स्लोली, रोहित स्लो मैच खेला, तो उसकी उसकी खासियत क्या है रोहित की, ठीक है, वो स्लो मैच खेला, धीमे खेल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रोहित, ठीक है, रोहित, देखिए दूसरा एग्जाम्पल मोहित सिंह, मोहित गा रहा है, ठीक है, मोहित सिंह लाउडली, अगर मैं लिख दू लाउडली,
ठीक है, मोहित बहुत तेजी से गा रहा, शोर मचा रहा, आपके कान फट जाएंगे, तो उसमें क्या विशेषता बताए, वर्ग की क्या बता रहेगी, वो कौन सा काम कर रहा था, गा रहा था, और गा क्या रहा था, खूब तेजी से, आपके कान फट जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, ये चीज हो गया एडवर्ब, ठीक है, लाउडली हो गया। तो यानी कि वर्ब को हम अच्छे तरीके से और व्यक्त करने के लिए आपको हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसी नाते एडवर्ब लगाया जाता है वर्ब की विशेषता बताने के लिए, ठीक है। जैसे अभिषेक वर्ब, ठीक है, अभिषेक काम कर रहा है, मैं हार्ड लगा दूं, ठीक है, हार्ड लगा दूं, तो अभिषेक हार्ड वर्ब, अभिषेक कठिन परिश्रम कर रहा, तो वर्ग की विशेषता बता रहा है कि नहीं, कठिन परिश्रम कर रहा, मेहनत कर रहा है, तो वर्ग की विशेषता बता रहा है कि नहीं, काम कौन सा कर रहा था, काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, और कह रहा हार्ड वर्क कर रहा था, यानी कठिन परिश्रम कर रहा था। चौथा पूजा, पूजा जा रही थी, गो माने जाना, पूजा जा रही थी, और मैं यहां लिख दूं, ठीक है, फास्ट, ठीक है, पूजा फास्ट जा रही थी, अपन वो जा रहे थे ना, आप तेजी से जा रहे थे, तो बताइए वर्ग की विशेषता बता रही है कि नहीं, समझे ना आप लोग, मतलब किसी वर्ग की विशेषता बताई जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, आप लोग इतना याद रखेगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी अच्छे से समझाऊंगा, किसी वर्ग की विशेषता बताने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखेगा। इसमें देखिए विशेषता बताया कि नहीं, भाई रोहित खेल रहा था, तो भाई कैसा खेला था हमें तो पता नहीं, कब कैसे कैसे ये एडवर्ब से निकलता है, मैं आपको बता पा, रोहित प्ले कैसा खेला था मुझे नहीं, अब बताइए वर्ग था, अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा बहुत अच्छा खेला, मैं खेलते ना, अरे जैसे तुम मान लो तुम खेलते हो, जैसे तुम खेलते हो भाई, स्टूडेंट खेलते हैं, मतलब कोई भी है, मतलब खेल है, किसी नाम रोहित है, ठीक है, वो खेल रहा है, और मैं कहूँ बहुत अच्छा खेलता है, तो उसमें क्या वो अच्छा लगेगा आपको, कि रोहित आप खेलते हो वो अच्छा लगेगा, ये चीज बताइए, आप बहुत अच्छा खेलते हो वो आपको सेंटेंस अच्छा लगेगा, कि आप खेलते हो वो अच्छा लगेगा, आपके बारे में बताइए, आपकी सेंटेंस से गदगद होगा, बहुत खुशी होगी कि आप खेलते हो या आप बहुत अच्छा खेलते हो, आपके बारे में बोला जाए, आप बहुत अच्छा खेलते हो, इस सेंटेंस को आप सुनेंगे तो गदगद हो जाएंगे, हाँ भैया बहुत बढ़िया खेलते हैं, ये चीज है, ठीक है। किसी वर्ग को अच्छा बनाने के लिए हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा मोहित सिंह, मोहित गाता है, भाई मोहित गाता है कैसा, अच्छा गाता है, बुरा गाता है, मोहित तो काम कर रहा है लेकिन लाउडली गाता है, कड़वा फट जाएगा आपका, तो लाउडली मतलब वर्ग की क्या विशेषता बता रहा, बहुत तेज गाता है, तो उसको क्या लाउडली, ठीक है, लाउडली क्या हो गया, हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है, वर्ग की विशेषता बता रहा है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग देखिएगा, जैसे ठीक है आप किसी, ठीक है, किसी लड़की से आपकी बहुत गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो होगी आप लोग, ठीक है, आप मान लीजिए, ठीक है, आप किसी लड़की से कहते हो, ठीक है, किसी लड़की से कहते हो आई लाइक यू, ठीक है, किसी लड़की से कहते हो आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लड़की को अच्छा नहीं लगेगा, अरे ये कैसा कह रहा है, ठीक है, लाइक यहां से वर्ब हो जाएगा, ठीक है, कौन काम काम कर रहा, पसंद कर रहा, तो लाइक वर्ब का काम कर रहा, आई सब्जेक्ट हो जाए, नाउन प्रोनाउन, आई लाइक यू, तो मान लो किसी लड़की से आपने कहा आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, भाई लड़की तो कोई बोलेगी लड़की को अच्छा नहीं लगा, ठीक है, आपको ये वर्ड, आपको ये सेंटेंस अच्छा ही नहीं लगा, लड़की तो कार के चली जाएगी, लेकिन किसी लड़की को बोलोगे इसके यहाँ पे आई रियली लाइक यू, ठीक है, आई रेडी लाइक यू, मैं सच में आपको बहुत पसंद करता हूँ, तो लड़की खुश होकर आपको बुला दे देगी, यानी कि आप दोनों सेट हो जाओगे, यही चीज है, किसी वर्ग को और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हमें, ठीक है, हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैं एक और सेंटेंस देता हूँ आपको, जैसे किसी को बोलना हो, ठीक है, आई लव यू, क्या बोलोगे, आई लव यू, ठीक है, मैं फिर से लेता हूँ, फिर देखने का आपको, जैसे मैंने किसी को बोलना हो, याद देखिए, जैसे किसी को बोलना हो आई रेडी, सॉरी आई लव यू, ठीक है, आई लव यू, मान लो किसी लड़की से आप गए, किसी लड़की से मिलने गए, कहे आई लव यू, भाई लड़की को अच्छा तो लगेगा नहीं, डायरेक्ट आपने बोल दिया किसी वर्ग में, अच्छा तरीके से नहीं लाया, तो लड़की तुरंत इंकार कर देगी आपको, कहेगी चलो यहां से जाओ, ठीक है। आप उसी सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हो, एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसी सेंटेंस से एक ऐसा बोलोगे कि तुरंत लड़की आपके सिर्फ आपसे बात करने लगेगी, अच्छा लगने लगेगा, यानी कि आप उसको अच्छा बनाओगे, आई आप ये बोलोगे आई लव यू, लड़की धक्का के चली जाएगी, चली जाएगी, जब उसको आप अच्छे से बोलोगे आई रियली लव यू, मैं आपसे सच में प्यार करता हूँ, तो लड़की तुरंत आपको एक्सेप्ट कर लेगी, कहेगी हाँ ये लड़का बिल्कुल सही है, तो कभी भी, ठीक है, आप किसी से करते हो तो ये चीज देखिएगा, ठीक है, आप जरूर फॉलो करिएगा, जरूर आपको तरफ,
ठीक है, ये चीज मत करिएगा, ये पढ़ाई वढ़ाई आप अच्छे से करिएगा, उसके बाद आप लोग करिएगा, ठीक है। किसी को भी बोल रहा हो तो आप डायरेक्ट ये नहीं बोलोगे, तो लड़की तुरंत चली जाएगी। वर्ब को आप अच्छी तरीके से बनाओगे, एडवर्ब आप समझे ना, मतलब वर्ब की विशेषता बताओगे आप, तब उसे एडवर्ब कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वर्ब को मैंने और अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, ठीक है। मैं किसी से बोला आई लव यू, ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा लड़की को भाई, आप उसको और अच्छी तरीके से प्रस्तुत करोगे आई रियली लव यू, तो आपकी लड़की ठीक है सेट हो जाएगी। यही है वर्ब की जो विशेषता बताया, और यार वर्ब को और अच्छी तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। यही चीज थी। जैसे मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ आपको, ठीक है, मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैंने लिखा सी इज ब्यूटिफुल, ठीक है, सी इज ब्यूटिफुल, ठीक है, वह बहुत सुंदर है। मान लो किसी लड़की कहना हो, ठीक है, किसी लड़की कहना हो, ठीक है, रीना इज कुछ भी कहना हो, सी इज ब्यूटिफुल, वह बहुत सुंदर है। अब भाई किसी की तारीफ कर रहे तो थोड़ा अच्छी तारीफ करो, और उसमें थोड़ा बढ़िया करो, बढ़िया प्रस्तुत करो, ताकि लड़की को और अच्छा लगे। किसे कहना, किसी लड़की सी इज वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर है, लेकिन इसी सेंटेंस को और बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं हम, सी इज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है, वेरी ब्यूटिफुल, वह बहुत सुंदर है, तो लड़की और खुश हो गया, अरे हाँ भाई खुश है, तुरंत आपसे वो हो जाएगा, सी इज वेरी ब्यूटिफुल, यही एडवर्ब का काम है, ठीक है, वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। आइए, आपने अच्छे समझा, कुछ और सेंटेंस लेने, ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा राम इज ए मैन, ठीक है, राम एक आदमी है, लेकिन मैंने, ठीक है, राम इज ए मैन, राम एक आदमी है, अगर मैंने यहां ग्रेट लगा दिया, ठीक है, ग्रेट लगा दिया, राम एक महान व्यक्ति है, तो मैंने विशेषता बताया ना, राम के बारे में बताया ना कि वो महान है, समझे। आइए आप इसको हम प्रैक्टिस के तरीके में 10 सेंटेंस लेंगे और आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। एडवर्ब को समझे, मैं एक बार डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बताया नहीं, डेफिनेशन मैंने लिखा है, ठीक है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव आर अनदर वर्ब, ठीक है, जो वर्ब की विशेषता बताएगा, जो क्रिया की विशेषता बताएगा, उसे हम एडवर्ब कहेंगे, ठीक है, एडवर्ब कहेंगे, मतलब वर्ब रहेगा, वर्ब की आपकी विशेषता बताई जाएगी, ठीक है। क्रिया विशेषण शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण तथा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, मतलब किसी वर्ब का जो विशेषता बताया जाएगा उसे हम एडवर्ब कहेंगे, ठीक है, आपको याद रखिएगा। एग्जाम्पल, लाउडली, वेरी क्विकली, क्लियरली, व्हेन, वेयर, एनीवेयर, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे देव स्पीक लाउडली, भैया ये वर्ब है आपका, मतलब कौन सा काम कर रहा है, बोल रहा है ना, देव स्पीक लाउडली, कैसा बोल रहा है, तेज बोल रहा है, भाई वर्ब की विशेषता बता रहा ना, कोई स्लो बोलेगा, कोई तेज बोलेगा, तो देव स्पीक लाउडली आपके कान फट जाएंगे, तो क्या उसमें वर्ब की क्या विशेषता बता रही है, क्या बता रहा है कि वो तेज बोल रहा है, ठीक है। दूसरा ले लीजिए, द गर्ल इज स्टमिंग, मैंने कहा था ना किसी लड़की को बोलना होगा आपको, ठीक है, तो आप बोल सकते हो, और भी सेंटेंस करते हैं, जैसे कहोगे यू आर वेरी ब्यूटिफुल, लड़की ना खुश एकदम आपको ना कर रही है, लेकिन आप बोलोगे यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, यानी कि आप बहुत खूबसूरत हो, तो लड़की तुरंत आपको हाँ बोल देगी। तो वही चीज है, हमने ठीक है वर्ब के आगे क्या लगा दिया, एक बढ़िया सा एडवर्ब लगा दिया, तो एक्सट्रीमली लगा दिया हमने, तो क्या होगा आपका सेंटेंस और अच्छा हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए, ही स्टॉप एट डोर, ठीक है, वह दरवाजे पे रुक गया, ठीक है, वह दरवाजे पर रुक गया, ठीक है, वर्ब को और अच्छा बना, अब भाई जस्ट अभी रुक गया, यहाँ मैंने जस्ट लगा दिया, ठीक है, तो सेंटेंस और अच्छा हो गया कि नहीं, ठीक है, सेंटेंस और अच्छा हो गया। आपने एडवर्ब समझा ना, जो वर्ब की विशेषता बताएगा उसे हम एडवर्ब कहेंगे। आइए हम अब इसको 10 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। आइए कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, वर्ड वर्ब एडवर्ब के कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक है। आई होप मैंने आपको डेफिनेशन बताया तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छी पकड़ हो जाएगी, एडवर्ब में आपकी और अच्छी पकड़ हो जाएगी, आप ऐसा पढ़ोगे कि ऐसा चीजों को पढ़ाऊंगा मैं कि कभी आप भूलोगे नहीं, एडवर्ब में आपकी और अच्छी पकड़ हो जाएगी। आइए आप इसे एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे लिखा मैंने सी स्माइल्स हैप्पीली, मतलब मैंने वर्ब को और चटना और अच्छा बना दिया, मतलब सी स्माइल वो हंस रही थी, तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगा, सी स्माइल हैप्पीली, वो खुशी से हंस रही थी, तो इससे क्या होगा
हमारा और वाक्य अच्छा लगा, तो इसमें क्या हुआ, हैप्पी क्या हुआ, ये एडवर्ब शब्द हो गया, ठीक है। दिस साउंड क्लाउड इन, वह चिल्लाया, भैया वर्ब को और हम अच्छा करेंगे, तेज चिल्लाया, तो ही साउंड लाउडली, ठीक है, वह तेज चिल्लाया, तो यहाँ पे लाउडली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अंजलि स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है, अंजलि इंग्लिश, ठीक है, एकदम सही से बोलती है, एकदम बिना रुके हुए बोलती है, फ्लुएंटली बोलती है, तो इसमें फ्लुएंटली क्या हुआ, फ्लुएंटली क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हो गया। माय पापा स्पोक टू अस अंग्रेजी, मेरे पापा बात, मान लीजिए मुझे ये अंग्रेजी हमला देते हैं, माय पापा स्पोक टू अस, मेरे पापा मुझसे बात कर रहे हैं, माय पापा स्पोक टू अस अंग्रेजी, मेरे पापा गुस्से से बात कर रहे हैं मुझसे, तो इसमें क्या हुआ, स्पोक को और हमने बढ़ा चढ़ा के विशेषता उसका बताने लगा, अंग्रेजी गुस्से से बात करने लगे, ठीक है। पचवा देखिए, यू ड्राइव, ठीक है, यू ड्राइव केयरलेसली, आप गाड़ी इधर से उधर ले जा रहे हो, चला नहीं रहे हो, ठीक से नहीं चला रहे, तो इसमें केयरलेसली क्या है, आपका एडवर्ब है। छठवा देखिए, दे पेंट अवेयरफुली, वह पेंट करते हैं भद्दा, वह कैसा पेंट करते हैं, मतलब पेंट तो करते हैं, वर्ब करते हैं, लेकिन कैसा पेंट करते हैं, भद्दा करते हैं, तो अवेयरफुली क्या हुआ, यहाँ पे आपका एडवर्ब का काम कर रहा। पूजा प्ले द गिटार, ठीक है, पूजा गिटार बजाती है, सेंटेंस तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो मैंने तो दिया पूजा प्ले द गिटार, मतलब वर्ब को और बढ़िया से बनाने के लिए वंडरफुल जोड़ दिया, पूजा गिटार बनाती, गिटार बजाती है बहुत बढ़िया, तो वंडरफुल क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। जैसे आप गिटार बजा रहे हो, ठीक है, आप गिटार बजा रहे हो, तो मैं कहा ठीक है गिटार बजाते हो यार, अच्छा बजाते हो, ठीक है, मैंने उसी को बोल दिया, मैंने बोल दिया कि ठीक है आपका नाम नहीं है कुछ भी नहीं है, रवि प्ले द गिटार, मैंने कहा रवि प्ले द गिटार, रवि गिटार बजाता है, खुश नहीं हो गए, कहोगे ये कैसा थी, आप मेरी तारीफ ही नहीं किए, तो आप क्या कहोगे, रवि प्ले द गिटार वंडरफुल, रवि बहुत बढ़िया बजाता है गिटार, तो मैंने वर्ब को और बढ़िया प्रस्तुत किया, इसी वजह से इसमें एडवर्ब लगा, हमको वर्ब को जब बढ़िया प्रस्तुत करना होगा तो हमें एडवर्ब लगाना होगा, तो वंडरफुल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही डांस रियली वेल, देखिए किसी कोई ऐसा सेंटेंस होगा, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा अभी, कोई ऐसा भी सेंटेंस आएगा जिसमें दो एडवर्ब रहेंगे, जैसे ही डांस, वो कौन सा काम कर रही है, नाच रही है, रियली वो सच में नाच रही है, ठीक है, और वर्ब को रियली वेल, वो बहुत सच में वो बहुत अच्छा नाच रही है, तो इसमें दो दो एडवर्ब, किसी सेंटेंस में दो दो एडवर्ब हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ रियली है, वो सच में नाच रही है, वो सच में बहुत अच्छा नाच रही है, तो इसमें दो एडवर्ब हो गए, आप समझे, ठीक है, किसी किसी सेंटेंस में दो दो एडवर्ब हो सकते हैं, आप ये चीज याद रखिएगा। नौवां है ही कैन रन फास्ट, ठीक है, अब मैंने मान लीजिए इसको कहते हैं कि ये एडवर्ब नहीं लगा रहे, ही कैन रन, वह दौड़ सकता है, भैया कोई दौड़ रहा है तो कोई आगे पीछे होगा ना, तो वही वर्ब क्यों और बढ़ा चढ़ाकर और अच्छे से बोलने के लिए हमने एडवर्ब का प्रयोग किया, ही कैन रन फास्ट, भैया दौड़ रहा है तो आपको उससे वाक अच्छा नहीं लगेगा, कैसे दौड़ रहा है, मैं कह दूंगा ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा भैया हम तेज दौड़ रहे हैं, तो उसी सेंटेंस को बढ़िया बनाने के लिए हमने एडवर्ब का प्रयोग किया, तो वह दौड़ रहा कैसा दौड़ रहा, फास्ट दौड़ रहा है, तो फास्ट को हमने एडवर्ब लिया। आई एम ऑलवेज बिजी, आई एम बिजी, मैं बेस्ट हूँ, ठीक है, बाई चांस आप लोग काम करते होगे तो आई एम बिजी, मैं बेस्ट हूँ, ठीक है, और मान लो किसी को और अच्छा बनना होगा, आई एम ऑलवेज बिजी, मैं हमेशा बेस्ट हूँ, तो ऑलवेज इसमें क्या हो गया, एडवर्ब का काम कर रहा। आई होप आपको एडवर्ब अच्छे से समझ में आया होगा, एडवर्ब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन की जो ऑल वाली है उस पर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालता रहूं आपको वीडियो मिलते रहे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।